चलनी मोरा नहीं भी। मम्मी बोल रहे हैं कि छठ पूजा का टाइम है भैया, थोड़ा ब्लाउज सिलाता है, थोड़ा साड़ी किनाता है, थोड़ा गीत गवाता है। अब मम्मी लोग तो अलग ही यार, पता अच्छी दिखती भी और अच्छा स्मेल भी करती है। पता नहीं आप लोग नोटिस किए हैं कि नहीं, हम हर छठ पूजा के ब्लॉग में वक्त सुबह के 4 बजे क्या हुआ था भाई? सुबह सुबह 4 बजे औरत कौन है? औरत नहीं यार, बहन है मेरी। ऐसे औरत भी ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बस सुबह सुबह हमारी दादी दलिदर खिला रही थी, वो जो छठ पूजा में होता है ना सुबह सुबह वही कर रही थी। और सुबह के 4 बजे तो बता ही दिया, सुबह के 4 बज रहे थे। और हमारा कुतमा ना ठक ठक से थोड़ा डर गया, थोड़ा नहीं कुछ ज्यादा ही डर गया। तो ये सुबह सुबह ये हुआ हमारे घर में। पार्किंग चल रही है, लेकिन सारा सामान बाहर क्यों है? सारा सामान बाहर है क्योंकि अंदर अंदर कौन है रे? कौन है अंदर? कौन है अंदर? खेल रहा है अंदर बैठ के, हमको लगा परेशान हो रहा होगा। चीरो पेपर फाड़ देगा सारा, सुन रही हो? इसने लिटरली खुद से अंदर ये आया है और अंदर बैठ के खेल रहा है बदमाश। चल बाहर, चल चल बाहर। नहीं, गोवा ट्रिप के लिए पैकिंग नहीं हो रही है। चलो वो भी हो जाइए एक दिन। छठ पूजा की पैकिंग हो रही है। पैकिंग का है? अमेरिका जाके करना है का छठ पूजा? नहीं देखिए, अमेरिका तो नहीं जा रहे हैं, हमारे मम्मी के मित्र है एक, उनके घर जा रहे हैं, उनके घर ही पे छठ पूजा होगा। तो वही हम अपना कपड़ा का पैकिंग कर रहे हैं और यही सोच रहे हैं कि हमारा कुतवा कैसे रहेगा हमारे बिना। तुम इधर हो, मुंह देखो तुम्हारा, रोते रोते सो गया बच्चा। आज इसको अटेंशन नहीं मिला हम लोग का। चलो सुतो, ज्यादा अटेंशन नहीं मिलेगा। बोलिए। वो बड़ा वाला छेना फाड़े वाला ले ले उन्हें, गौतम उनका, गौतम अंकल के दुकान पर से विनेगर। हाँ ना, तो फिर वो सिरवा खियाओ में उनको दिक्कत होगा। आजकल सुबह सुबह जल्दी उठने लगे हैं, मतलब इधर एक आध दिन से, और चेहरे पे फ्रेशनेस है, खुशी है। खुशी इस बात की छठ पूजा आ चुका है, नहीं तो इतना हम लोगों के, हम लोग हमारे एज के जो लोग है वो इतना, उनका मूड इतना अच्छा नहीं होता है कि सुबह सुबह एकदम फ्रेश फ्रेश उठ जाए। छठ पूजा का नूर है चेहरे पे। उम्मीद है आपको हमारा बिहारी एक्सेंट बहुत अच्छा लगता होगा, हमको तो बहुत अच्छा लगता है। नहीं जाए, नहीं जाए। कैसे रहेगा ये, हमको तो ही नहीं समझ में आ रहा है। आ जाओ सब प्रेम में, आ जाओ आ जाओ। मम्मी दीदी सब बोले एक साथ, बोलिए छठी मैया की जय हो। बाप रे कितना खटर खटर करता है यार सूटकेस। उठा ले क्या दीदी, रास्ता भर तो उठाना ही पड़ेगा वहाँ। बस यार हमारा कुतवा सुरक्षित रहे, हमको इस बात का बहुत खुशी होगा। कितना भी एडवांस आप लोग खरीद लीजिए सूटकेस डगराने वाला, जैसा मोहल्ला कॉलोनी है सूटकेस उठाना ही पड़ता है। इधर आता है, आ नहीं जाता है। ए भाई कहीं निकलो तो इतना हल्ला हो जाता है कि पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है कि पांडे परिवार निकल के कहीं जा रहा है। और देखिए कल तो इधर खेदा गया है और आज है नहाए खाए, है ना मम्मी? सुंदर लग रही हो। बस आगे बढ़ जाए, एक दो आदमी ऊपर करवा को पटे वहां बैठा हुआ है। मम्मी को हाथी बोल रहे हैं आप? हाथी चढ़ जाएगी यहां, तुम लोग वहां चले जाना। अच्छा ठीक है, अंकल को OTPT बताया और हम निकल गए आंटी के यहाँ। मम्मी पहले हम लोग के लिए गाड़ियों में घूमना एक फैंटेसी था, याद है? पापा के दोस्त आते थे तो हम लोग उनको कहते थे कि ये तुमको कहते थे, मम्मी अंकल को बोलो ना एक बार गाड़ी में बैठा के घुमा देंगे। अब ना गया ओला उबर इतना कुछ भी होता है, तुरंत रैपिडो कर लो यार, कार कर लो। पहले हर चीज एकदम था कि हाँ यार, लेकिन पहले का बात भी कुछ और था। तो रास्ता में देश की आर्थिक व्यवस्था पर चर्चा करते हुए, डायरेक्शन को ज्यादा लंबा खींचने पर ओला वाले अंकल मम्मी से डांट खाते हुए 20 मिनट में हमको पहुंचाए आंटी के घर। ओला वाला मम्मी को बोलता है ना कि अब देखिए मैडम आगे से गाड़ी नहीं घूमेगा, तो मम्मी का एकदम स्ट्रेट रिप्लाई रहता है, आप गाड़ी घूमो चाहे आग लगे, चुपचाप आगे चलिए। ये हम बोले हैं चुप रहो, मैं बोलती हूँ। इनसे मिलिए, ये है मेहनती औरत, सक्सेसफुल अराइवल, केवाड़ी तक खुलल बहु, खूबसूरत खूबसूरत स्त्रियाँ सब मिलके हम लोग छठ मना रहे हैं। एक वीडियोग्राफर को हायर किया गया है यहाँ पे, रजुआ को। खाली बिजली मिस्त्री का नाम थोड़े होता है रजुआ, वीडियोग्राफर का नाम भी हो सकता है। ये रजुआ को जानती है? हाँ पिछली बार आए थे तो पूछे थे, तुम रजुआ को नहीं जानती हो? जौन आदमी रजुआ को नहीं जानता है वो आदमी दुनिया को नहीं जानता है, बोले थे इसको। तुम रजुआ को जानती हो ना? एक बात बताओ कि नहाई खाए में होता क्या है? नहाई खाए हमको पता है क्या फीलिंग आता है कि नहाई खाए में होता ही है कि बढ़िया से नहा लो, शुद्धता से खाना को ग्रहण कर लो, हो गया और नहाई खाए, यही होता है ना? नहाई खाए का मतलब ये है हाँ, कि जो पवित्रता के साथ स्नान करके हाँ, और जो भोजन बनता है जैसे चुम्मा चाटी बंद करो तो इसमें से भी पवित्रता रहता है, जिसमें कि लहसुन प्याज नहीं होता है। अच्छा, बिना नहाए तो कभी नहीं खाना चाहिए, पर नहाए खाए का मतलब ये है कि एक शुरुआत कर देते हैं,
है। हाँ हाँ। एक पवित्रता का शुरुआत हो जाता है। हाँ। और स्वच्छता साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। अच्छा। फिर जिसमें कि मतलब ऐसा भोजन नहीं तैयार करना है। हाँ। जो कि देवी देवताओं को पसंद नहीं, जैसे कि लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए खाना में, वो सात्विक भोजन नहीं है। अच्छा ठीक है। हाँ, वो तामसी भोजन है। बाप रे, इतना तो हमको नहीं पता था यार। अच्छा मैं एक बात बताओ कि नहाए खाए में एक ही वक्त खाया जाता है? नहीं, जैसे अभी नहा के खाओगी तो फिर शाम को खा सकती हो कि नहीं, कि एक ही टाइम खाओगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शाम को खा सकती हो, है ना? भी खा सकती हो, दोबारा भी खा सकती हो, तिबारा भी खा सकती हो। अच्छा, तुम्हारे तुम्हारा भूख जितना तुम्हारा पेट मांगता हो तो तुम खा सकती हो। मतलब कि छठ से पहले का शुद्धिकरण है ना? और फिर जो नमक है वो, ये नमक का प्रयोग नहीं होता है, जो आयोडीन वाला है उसमें, वो सेंधा नमक का प्रयोग होता है। अच्छा, हम सोचे कि इस बार छठ पूजा को थोड़ा इन्फॉर्मेटिव बनाए, जिस पूजा में इतना मजा आता है उसके बारे में आपको भी थोड़ा बताए और हम भी जाने, क्योंकि इतना गहराई से हम भी नहीं पूछे थे कभी सवाल। गुड मॉर्निंग हसीना, उठ जाइए हसीना जी, डाकू हसीना, उसको देखो जरा, बैठे हुए उधर लेकिन उसको चैन नहीं है, इधर देख रही है। तुम रजक नहीं जानती हो? आज की जनरेशन की है। हाँ। अपना दुश्मनी उससे मत निकालो तुम। क्या क्या भाभी? छिपकली खोजती है ना, हमेशा दीवार पर देखते रहती है। क्यों क्यों इसको छिपकली चाहिए? भाई तुम डेंजरस हो यार, तुम दूर रहो हमसे। भाई हम नींद में भगवाइल भी बाथरूम जाते हैं तो पहले ऊपर देखते हैं ऐसे करके, और जहाँ दिख गई तो भागते हैं पहले ही नजर में। छोटी देखो, छोटी छोटी रे छोटी, तारा छोटी से चोट लगा। नहाए तो हो गया, खाए कब होगा? सच बताए तो हमको भी भूख लग गया है यार। दुनिया का सबसे अच्छा फीलिंग, खुशनुमा फीलिंग छठ पूजा, दुनिया का सबसे हार्ट ब्रोकन फीलिंग छठ पूजा अटेंड नहीं कर पाना या घर पे छठ पूजा नहीं होना। हर्ट्स टू मच, टू मच। अया तुम देश दुनिया के किसी और कोने में कर रहे हो, ठीक है यार, संतुष्टि मिल जाता है, हम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ वाली बात तो तुमको कहीं नहीं मिलेगी। बिहार, पटना, बनारस, जो इस टाइप में जो छठ होता है ना, बनारस का तुमको उतना नहीं ज्ञान है, अपने यहाँ ही अटेंड किया प्रैक्टिकली, तो अपना आपको हम बता सकते हैं कि बिहार में जो वाइब आता है ना छठ पूजा वाला, वो दुनिया के किसी कोने में आपको नहीं मिलेगा। चलनी मोरा नहीं भी, मम्मी बोल रहे हैं कि छठ पूजा का टाइम है भैया, थोड़ा ब्लाउज सिलाता है, थोड़ा साड़ी किनाता है, थोड़ा गीत गवाता है। अब मम्मी लोग तो अलग ही यार, पता है अच्छी दिखती भी और अच्छा स्मेल भी करती है। पता नहीं आप लोग नोटिस किए हैं कि नहीं, हम हर छठ पूजा के ब्लॉग में 200 साल आगे बनाएंगे तो बोलेंगे भाई हमको, मेरी मम्मी भूखी रहती ना छठ पूजा, अलग टाइप का एक स्मेल आता है मम्मी से। पगली स्मेल आता है मेरे। हाँ, अलग टाइप का स्मेल आता है, पूरा सालू नहीं आएगा। और तुम एकदम शांत रहती हो छठ पे, गुस्साती नहीं हो? अच्छा। हम छठ भूख सकते हैं? बिल्कुल। मतलब तुम बोली थी कुमारी कन्या नहीं भूखती है? शादी हो जाए, चौठ कर रही हो ना, करवा चौथ तो किए थे। हम आपको अपना कपड़ा का चॉइस बता रहे हैं, हमको ना इस टाइप का ट्रेडिशनल कपड़ा बहुत पसंद आता है, जस्ट लुक एट द डिजाइन, यू नो। हम कभी अपना ऑब्सेशन आप लोगों को दिखा ही नहीं है कपड़ों के लिए या फिर किसी और चीज के लिए, और फिर हम दिखा भी देते हैं। मतलब आई एम नॉट दैट क्रेजी, मेरा कोई उतना चूजी नहीं है चीज़ों को लेकर, बट कुछ चीज़ें हैं जो मतलब देखकर मेरे को लगता है कि हाँ ये चीज़ हमको ना पसंद आया टाइप्स। तो इसका जो डिज़ाइन है ना, देखो ये ट्रेडिशनल जो ऊपर में बना हुआ है, बाकी जो कलर है सिंपल, आई लव इट, आई टोटली लव इट। चीटी का ड्रोन व्यू हो गया, हम लोग भी मार्केट में चलते होंगे तो हम लोग का ड्रोन व्यू ऐसा ही आएगा। आंटी उसको उस प्लेट में क्यों रख रही हैं? हाँ, अच्छा भगवान जी के लिए अलग से रखाता है। भगवान जी का खाना निकल गया, हमारी मम्मी अब खाना खाएंगी। हाँ। सच बताएं तो उसके बाद हमको भी मिलेगा खाने के लिए। बैठने में बन रहे माँ? कभी कभी सोचते हैं हमारी मम्मी कितनी क्विट है, हर बार कोई एक ही गलती कैसे कर सकता, मतलब कि हर साल एक ही दिन पे गलती रिपीट का बात कर रहे हैं। हाय खाय का खाना का स्वाद और महक ऐसा नाक में आता है ना जब मम्मी प्रसाद ग्रहण कर रही है कि वो एक्साइटमेंट बढ़ जाता है और हम भी जोश जोश में एक थलिया खाना ले लेते हैं, और उसके बाद हमसे खाया नहीं जाता लेकिन फिर भी फिनिश करते हैं, क्या करें। देखिए बस यही कुछ संस्कार है ना जिसको देखते हुए हम बड़े हुए हैं। हमारी मम्मी जी बचपन से छठ कर रही है, मतलब हम जब बचपन में थे तब से हम मम्मी को देख रहे छठ कर रही है, बहुत चीज सीखे हैं छठ में। एक बात दिल से हमारे निकल रही है कि जो जोड़ के रख दे पूरा परिवार उसको नाम है त्योहार। लोकलो में बहुत अच्छी शायरी निकल गई हमारे मुंह से कि यार एक छोटे से बच्चे को भी पता रहता है ना कि नैनो पापा सूप
उसके पास नहीं जाइएगा। मम्मी ने मना किया है, छठ पूजा का सूप है। ये चीजें बहुत मायने रखती हैं, पता है। जो इस वीडियो को देख रहा है हम उसी से कुछ कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं ना, आप ही से कह रहे हैं कि हम आपसे बहुत आस लगाए रहते हैं। ठीक है, हम रजुआ हैं, हम आपसे बहुत आस लगाए रहते हैं कि तुम हमारे वीडियो को किसी से शेयर करोगे। तो अपने उन बिहारी दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करना, बताना कि देखो यार अपनी ही लड़की है, अपनी ही रजुआ है, क्या वीडियो डाल रही है अपना छठ पूजा के बारे में। अब बिहार के बाहर वाला भी दोस्त तुम्हारे पूछते होंगे कि काहे इतना छठ पूजा करते रहते हो। जो लड़की है ये रजुआ है, तुम्हारी अपनी बेटी, तुम्हारी बहन, तुम्हारी अपने एरिया की लड़की है। इस चुलबुलिया का चैनल सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, इसको आगे तुम लोग बढ़ाओ, हमको आप ही लोग आगे बढ़ाइएगा। ठीक है, हम भगवान जी से दुआ करेंगे कि जो जो हमारे वीडियो को कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी से शेयर किया है, उसको कहीं ना कहीं से गिरा हुआ 200 रुपए का नोट मिल जाए, कहीं गिरा मिल जाए, चाहे कहीं अपना ही पॉकेट में मिल जाए, अपना किताब में मिल जाए, कहीं से मिल जाए, बस मिल जाए 200 रुपए का नोट। ठीक है, चलिए बाय, जय छठी मैया। हमारे जो यूट्यूब व्यूअर्स हैं सब भी बहुत श्रद्धा से देख रहे हैं छठ पूजा के उसको, तो आप तीनों छठ पूजा किए हैं तो उन सबको भी आप लोग अच्छा अच्छा आशीर्वाद दीजिएगा। जो देख रहा है वो उसके लिए राजू के जितने सब्सक्राइबर्स हैं तो छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई। मकर संक्रांति के दिन जो फूल गोभी का सब्जी बनता है और उसका जो टेस्ट आता है पूरा साल नहीं आता है, उसी तरह नहाए खाए में जो खाना का टेस्ट आता है ना पूरा साल नहीं आता है। तुम बना कर दे, ठीक है।